मन का डर कैसे निकाले, इस बारे में मैं अभी आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। होता क्या है कि हमारे मन में काफी डर बैठे हुए रहते हैं। जैसे लोग क्या कहेंगे, फिर हम फेल हो जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, या हमको सफलता नहीं हासिल होगी, या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारे डर हमारे मन में रहते हैं और हम ऐसे डरावने रहते हैं। और वो तो मनुष्य की एक सामान्य बात है कि डर लगे रहना, और डर की वजह से ही हम बहुत सारे काम अच्छी तरह से करते हैं। जैसा हमें एक्सीडेंट का डर है, इसलिए हम जरा हमारा जो व्हीकल है, कार है या बाइक है, वो बराबर हम चलाएंगे क्योंकि हमको डर है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या हमको डर है कि हम फेल हो जाएंगे, इसलिए हम पढ़ाई करेंगे बराबर। तो डर है करके हम काम करते। पर होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, काफी डर, इतना डर कि उनको काम करना मुश्किल हो जाता है। मतलब उनको फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे बोलना है तो उनको डर लगता है कि पब्लिक प्लेस में जाने, तो शादी में जाना, या बाहर मेले में जाना, या प्रदर्शनी में जाना, या रास्ता पार करना, या किसी के घर में अपना घर छोड़ के जाना, उनको काफी डर लगे रहता है कि वो नहीं जा सकते, तो बहुत डर लगता है। फिर कुछ लोगों को डर रहता है कीड़े मकोड़े, जैसा छिपकली का डर रहता है। फिर कुछ लोगों को रहता है कि जैसा मेंढक है उसका डर रहता है, या कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे रहते हैं उसका डर लगे रहता है। कोई लोगों को कुत्तों का डर लगे रहता है, कुत्ता देखा उनको डर लगता है, मतलब ऐसा उनको डर लगे रहता है। और वो जैसा वो चीज, मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो प्राणी है वो दिखता है तो बहुत डर जाते हैं, मतलब उनको उनके सामने भी रहना मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ लोगों को कुछ जगह का डर रहता है, जैसा उनको है ना एक चार लोगों के सामने बात करना, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं, आत्मविश्वास नहीं, या स्टेज पे जाके भाषण करने का डर है तो भाषण नहीं कर सकते, या उनको ऊंचाई पे जाने का डर है, मतलब वो बिल्डिंग के ऊपर जाके वहां जाना ही मतलब पसंद नहीं करेंगे, वो जा ही सकते नहीं। या कुछ लोगों को डर रहता है कि वे अकेले घर में बैठने का, वो अकेले नहीं रह सकते। कुछ लोगों को डर रहता है अंधेरे का, कि अंधेरा उनको सहन नहीं होता, और अंधेरा दिखा के वो डर जाते, मतलब अकेला वो सो नहीं सकते, अकेला वो रह सकते नहीं अंधेरे में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो डर अंधेरे का है। तो ये उनका होता क्या है कि ये जो डर है, कुछ लोगों को रहता है डर कार में सफर करने का, कार में जा सकते नहीं, मतलब बंद कार रही, कार के दरवाजे एक बार बंद कर दिए तो उनको डर लगता है, या बस में जाने का डर रहता है, या ट्रेन में सफर करने का डर, मतलब कोई भी बंद चीज रही तो उनको डर लगता है, वो नहीं जा सकते बंद चीज। कुछ लोगों को कोई लोगों का डर रहता है, तो बड़ा अधिकारी है, ऑफिसर है, या बड़ा कोई व्यक्ति है, या दिखने में कोई बड़ा है। कुछ लोगों को डेड बॉडी का, मतलब मरे हुए आदमी का, जैसे लाश रहती है तो वो कहीं कोई व्यक्ति मर जाता है उनके घर में नहीं जा सकते, हो दे जस्ट कैनॉट गो, उनके घर में जाना पसंद नहीं करते, वो जा ही सकते नहीं उनके घर पर, उनको उसका डर लगे रहते। तो ऐसे काफी सारे डर लोगों को है, और डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई होता कुछ नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना डर, मतलब थोड़ा डर रहा तो ठीक है, इतना डर उनको है कि वो सिचुएशन से वो एक तो भाग जाएंगे, वो सहन नहीं कर सकेंगे, और वो उनको मुश्किल ही है कि कैसा काम करना। अब इसमें वो सिचुएशन, वो प्रसंग, वो वातावरण सामने आता है, या वो कीड़े मकोड़े आते हैं, वो व्यक्ति आता है, या वो रास्ता पार करना है, तो उनको भयंकर उनको पसीना आ जाएगा, उनके छाती में धड़कन हो जाएंगी, के हाथ कांपने लग जाएंगे, पसीना तर हो जाएगा, घबराहट हो जाएंगे, वो बेचैन हो जाएंगे, और वो कुछ भी करके वहां से वो भाग जाने की कोशिश करेंगे कि वहां रहने का नहीं। मतलब कुछ लोगों को, मेरे पास में जो लोग आते हैं, कुछ व्यक्ति जो आते हैं, उनको डर इतना रहता है कि भाई कहीं न्यूज भी सुन लिया उन्होंने कि कोई व्यक्ति मर गया है उनके रिश्तेदारों में या आजू बाजू में, इतना वो डर जाते हैं कि वो कमरे के बाहर भी निकलते हैं, मतलब वो वहां उनके घर में जाना सांत्वना करने के लिए, वो तो बात अलग ही है, मतलब उनके घर जाने की तो बात दूर ही है, या अंत यात्रा में जाना तो बहुत दूर की बात हो गई, वो वहां जा भी सकते, सुन भी सकते हैं,
कोई व्यक्ति मरा, इतना डर उनको लगा है। तो भी ये जो डर है उनसे वो व्यक्ति का तो जीवन बराबर चलता ही नहीं, मतलब वो व्यक्ति को तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, नॉर्मल काम नहीं कर सकता, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो सकता। और ये डर की वजह से उसके आजू बाजू के इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी तकलीफ हो जाती है, तो उनको भी काम करना मुश्किल हो जाता है ये व्यक्ति की वजह से। तो ये ऐसा डर है, और ये एक्चुअली डर जो है वो अन्ना कारण है, मतलब बिना कारण है, अन्ना कलनीय है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, मगर ऐसा बोलते हैं कि भाई उनको बचपन में ऐसी कुछ तो भी बात हो गई कि जिसके वजह से डर उनको दिमाग में बैठ जाता है, कोई कंडीशनिंग हो गया, कोई तो वैसे बात हो गई कि उसकी वजह से वो डर बैठ गया। ये ऐसा बोला जाता है कि कम से कम हमारे हमारे देश में कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग, उससे भी ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं बता नहीं सकता हूं आपको अभी, 5 करोड़ लोग कम से कम ये डर के, मतलब अति डर के, डर है, डरावनी चीज है, फोबिया है उसको बोलते हम, तो फोबिया के मरीज है या उसकी शिकार है। पर ऐसा आह्वान है कि ये इलाज करना जरूरी, जिनको जिनको प्रॉब्लम है। और अधिक आपको जानकारी इसके लिए चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट है, आपने ये सुन लिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।